दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा, आजकल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 समिट में शामिल होने के लिए इंडोनेशिया के बाली दौरे पर हैं और वहां उन्होंने देश दुनिया के कई बड़े दिग्गज नेताओं से मुलाकात की, बातें चीतें की, हिंदुस्तान यानी कि भारत और इंडोनेशिया के रिश्तों को लेकर भी चर्चा की। लेकिन इस दौरे के दौरान एक खास मुलाकात रही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से, जो हाल ही में नियुक्त हुए थे आपको पता होगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये भारतीय मूल के हैं, इनके माता पिता हमारे भारतीय मूल पंजाब के रहने वाले हैं, जो अभी ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बने ऋषि सुनक। तो इंडोनेशिया के बाली में पीएम मोदी से मुलाकात के बाद ऋषि सुनक ने भारतीय लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा फैसला लिया, सुनकर आपका भी दिल खुश हो जाएगा। देखिए, वेन पीएम मोदी मीट्स ऋषि सुनक, बातचीत होती है कि हर साल 3000 से भी ज्यादा भारतीय लोगों को यूके का वीजा मिलेगा। मोदी से मुलाकात के बाद ऋषि सुनक ने यह बड़ा फैसला लिया। सुनक ने भारतीय युवाओं को यूके में काम करने के लिए हर साल 3000 वीजा देने का ऐलान किया है। ब्रिटिश सरकार का कहना है कि इस तरह की योजना से लाभान्वित होने वाला भारत दुनिया का पहला देश होगा। और यहाँ पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो ऋषि सुनक के खून में जो भारतीय मूल का DNA बसा हुआ है, इसका फेवर नजर आता है, क्योंकि ब्रिटेन देश ने पहली बार दुनिया के किसी देश के लिए ऐसा फैसला लिया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा कि आज भारत और यूके के प्रोफेशनल्स स्कीम की पुष्टि की गई है। 18 से 30 साल तक के भारतीय डिग्री धारक युवाओं को यूके में आने और 2 साल तक काम करने के लिए 3000 वीजा की पेशकश की गई है और हर साल 3000 युवाओं को वो भारत में आने के लिए वीजा देंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद ऋषि सुनक ने यह बड़ा फैसला लिया। लेकिन अब आपके मन में ये विचार आ रहा होगा, ये सवाल आ रहा होगा कि ऐसे तो हमारे भारतीय और विदेशों में जाकर के काम करेंगे उनकी सरकारों के लिए, उनके देशों के लिए। तो कहने का मतलब ये कि आखिर इससे भारतीय युवाओं को, भारतीय लोगों को क्या फायदा होगा? 3000 भारतीय और वहां जाकर काम कर सकेंगे तो इससे इंडियंस के लोगों को क्या फायदा होगा? तो जरा समझिए बात को। देखिए, ऋषि सुनक ने ये फैसला लेने के बाद यूके प्राइम मिनिस्टर के ऑफिशियल ट्विटर इंडिया पेज से ये ट्वीट भी किया, जिसमें यूनाइटेड किंगडम और भारत दोनों के मैप को एक साथ जोड़कर दिखाया गया और लिखा कि यूके इंडिया यंग प्रोफेशनल्स स्कीम, ये एक तरह की स्कीम है जिसमें भारत और यूके के युवा साथ में मिलकर काम करेंगे। जैसे कोई बड़ी रिसर्च हो गई, कोई बड़ा IT काम हो गया, कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रोफेशनल्स स्किल्स हो गई, तो इस पर ब्रिटेन और भारत के युवा साथ में मिलकर काम कर सकेंगे। जाहिर सी बात है, किसी डेवलप्ड देश के साथ अगर हमारे भारत के युवा काम करेंगे तो कुछ न कुछ नई चीजें जरूर सीखेंगे, राइट? और वैसे भी ऐसा नहीं कि भारत में बेरोजगारों की कोई कमी नहीं है। आज भी कई सारे पढ़े लिखे इंजीनियर, कई सारे पढ़े लिखे ग्रेजुएशन और मास्टर्स के लोग बाग हैं जिनके पास कोई काम नहीं है, जिनके पास रोजगार नहीं है, नौकरियां नहीं है, तो उनको भी काम की एक नई अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी। और इसके अलावा विदेशों में जाकर के आज हमारे युवा अगर जाएंगे, वहां 2 साल रहकर काम करेंगे, तो वहां की नई टेक्नोलॉजी, वहां का नया एनवायरमेंट देखेंगे, वहां क्या नया सिस्टम है, वहां क्या नई चीजें होती हैं, क्या नए स्टार्टअप्स हैं, उन आइडियाज को फिर 2 साल बाद युवा वापस भारत में आकर भारत में भी इंप्लीमेंट कर सकेंगे, राइट? समझ रहे हो ना? जैसे आज कई सारे ऐसे स्टार्टअप्स के आइडिया जो विदेशों से आज हमारे भारत में सक्सेसफुल रहे हैं, जैसे कि जोमेटो, जो कि फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म है, स्विगी ऑलरेडी इंटरनेशनल ब्रांड था, जोमेटो के नाम से हमारे भारत में स्टार्टअप शुरू हुआ, सक्सेसफुल रहा। ओला उबर का ही देख लो आप। तो मतलब विदेशों में जाकर के युवा अगर रहेंगे, वहाँ प्रोफेशनल स्किल्स के साथ में काम करेंगे, तो जाहिर सी बात है इंडिया में भी कुछ न कुछ उसका बेनिफिट हमें देखने को मिलेगा, राइट? तो ये मतलब एक अच्छा फैसला रहा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक की मुलाकात के दौरान। वैसे इस पर आपका क्या कहना है, मुझे नीचे कमेंट करके बताइए आपकी राय और विचार भी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आप रोजाना की ताजा खबरें और महत्वपूर्ण न्यूज से अपडेट रह पाएंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।